नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसका नाम था, हमने दिया है पार्ट वन, जिसमें हम लोग डिफिशियंसी सिम्टम्स जो होता है एलिमेंट का, वो किस एलिमेंट की डिफिशियंसी ओल्डर लीफ में होती है और किस एलिमेंट की डिफिशियंसी यंगर लीफ में होती है, और किस एलिमेंट की डिफिशियंसी यंगर और ओल्डर दोनों में होती है, और किस एलिमेंट की डिफिशियंसी टर्मिनल बड में होती है, इन सब के बारे में हम लोग ट्रिक पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड जो ओल्डर लीफ में जिस एलिमेंट की डिफिशियंसी होती है, उससे रिलेटेड जो है ट्रिक की एक वीडियो आ चुकी है, अपलोड भी हो चुकी है, जाके उसको देखिएगा। ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि यंगर लीफ जो है, ठीक है, स्पेशली हम लोग यंगर लीफ जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि यंगर लीफ में किस एलिमेंट की डिफिशियंसी होती है, ठीक है, और उसको कैसे एक ट्रिक के माध्यम से कैसे हम उसको याद करेंगे, वो भी बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। इसमें देखिए यंगर लीफ है, यंगर लीफ है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी डिफिशियंसी न्यू लीफ या यंगर लीफ में पाई जाती है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए देखिए, जब भी हम लोग शुरू करेंगे वो होगा न्यू की शुरुआत करते हैं, न्यू जब लिखते हैं तो पहला जो लेटर उसमें आता है वो यन आता है। अब यही ट्रिक है कि जिस भी एलिमेंट के सिंबल में, सिंबल का मतलब है जैसे मैग्नीज है तो इसका सिंबल यन है, एम यन है, ठीक है। तो इस तरह से जिस एलिमेंट के सिंबल में यन आएगा, यन आएगा 100% है, उस एलिमेंट की जो डिफिशियंसी है वो न्यू लीफ में होगी। यन है तो न्यू है, यही ट्रिक है, ठीक है। ये मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, जिस एलिमेंट के सिंबल में यन आ जाएगा वो 100% है कि उस एलिमेंट की डिफिशियंसी जो है वो न्यू लीफ में होगी ही होगी, ठीक है। तो देखिए, पहला जो इसमें है वो मैग्नीज है, ठीक है। मैग्नीज का जो सिंबल है उसे वो यमयन है, और यमयन है तो यम है, इसमें यन छुपा हुआ है, और यन, ये यन ही आपको याद दिलाएगा कि यन का मतलब होता है न्यू, और न्यू लीफ में ही इसकी डिफिशियंसी होगी ही होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है वो कापर है, और कापर की भी जो डिफिशियंसी है वो न्यू लीफ में होती है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि कॉपर की डिफिशियंसी जो है न्यू लीफ यानी यंगर लीफ में होती ही होती है। तो इसमें देखिए जो यू है, ऐसे लग रहा है कि किसी ने जो हमारा यन था उसको पलट दिया है, ठीक है, उसे उलट पलट दिया है, यानी जो यू है उसको हम समझेंगे यन, और यन है तो न्यू है, और न्यू है तो जो कॉपर है उसकी डिफिशियंसी न्यू लीफ यानी यंगर लीफ में होगी ही होगी हर हालत में, ठीक है। अगला जो है वो है आयरन, ठीक है। आयरन की भी डिफिशियंसी न्यू लीफ में ही होती है हमेशा। अब इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो देखिए जब हम लोग ऐसे अगर न्यू देखें, एन ई डब्लू, ठीक है, तो इसमें क्या छुपा हुआ है ई, और कॉपर में भी छुपा, ये सॉरी आयरन में के जो सिंबल में छुपा हुआ है ई, इस तरह से इसको इसी से को रिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, क्लियर है। एक है सल्फर, ठीक है, जो सल है, फर है, ठीक है, सल्फर है, तो ये न्यू ही रहेगा, और इसकी डिफिशियंसी न्यू लीफ में ही होगी यानी यंगर लीफ में ही होगी। अब देखिए अगली जो कहानी ये बनती है कि भैया ठीक है आप बता दिए कि ये जो एलिमेंट है इनकी जो डिफिशियंसी होगी वो क्या होगी, न्यू लीफ में होगी। हमें याद भी हो गया कि आप बोले कि जहाँ यन छुपा हुआ होगा वो समझ जाइएगा यन मतलब न्यू, और न्यू मतलब न्यू लीफ में होगा। तो जैसे मैग्नीज में यम यन में यन छुपा हुआ तो उसकी डिफिशियंसी हो गया न्यू लीफ में, कापर हो गया, सारे बता दिए। लेकिन यहाँ एक बात और आती है, ये कहते हैं भैया ये जो आप चारों एलिमेंट बताए हो हमें कि इनकी डिफिशियंसी न्यू लीफ में होती है, अब हमें ये बताइए कि इन चारों में से कौन ऐसा है जिसकी जो कमी अगर लीफ में हो जाएगी तो उसकी जो वेन है वो क्या हो जाएगा, वो ग्रीन रहेगा। और कौन सा इन चारों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि अगर इनकी डिफिशियंसी लीफ में हो जाएगी तो उसकी जो वेन होगी
वो येलो कलर की होगी। तो अब चलिए, अब कहानी यहाँ ये बनती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेन क्या है। तो चलिए एक हम बढ़िया सा लीफ का फिगर बनाते हैं। ये देखिए लीफ है, और लीफ के जो बीचों बीच ये चीज़ हमें दिखाई देती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये मिड रिब है। ठीक है, मिड रिब है, मध्य सिरा है। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं मध्य सिरा। और इधर जो इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं वेन। और इस वेन से जो निकलता है पोर्शन, जो वो उसे हम लोग कहते हैं वेनलेट। ठीक है, वेनलेट ये बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गया। तो हमने बनाया एक लीप, तो ये देखिए यही इसकी वेन है। अब ये वेन है, तो कंडीशन ये होती है जो एलिमेंट हैं, जो जिनकी डिफिशेंसी न्यू लीप में हो रही है, अब उसमें से कौन से ऐसे एलिमेंट हैं कि अगर उनकी डिफिशेंसी न्यू लीप में हो गई, तो उनकी वजह से ये जो वेन है ये पूरा ग्रीन कलर की हो जाए रहेगी। ठीक है, और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी डिफिशेंसी अगर इस लीप में हो गई, तो इसकी ये जो वेन है ये येलो कलर की हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो देखिए, पहला आप ग्रीन मतलब वो एलिमेंट जिसकी डिफिशेंसी हो जाएगी अगर, तो उसकी वजह से क्या है, वेन ग्रीन रह जाएगी। तो वो है आयरन और मैग्नीज। ठीक है, चलिए आप मान लीजिए आपको भूल ही गया, नहीं याद आ रहा है, तो हम आपको याद वो करवाते हैं जो आपको याद रहेगा, यानी वो हम याद करवाएंगे आपको येलो वाला। ठीक है, मैं यानी हम आपको याद करवा रहे हैं कि जिसकी वजह से जो वेन है वो येलो हो जाती है, जिस एलिमेंट की कमी हो जाती है। तो देखिए इसके लिए ये है सल्फर। अगर हम लोग सल्फर को देखें तो ये येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है। तो अब जब सल्फर है येलो कलर का है, तो ये वेनमा कहे नहीं येलो कलर का करेगा। ठीक है, यानी जो वेन होगी उसको भी तो येलो कलर का कर देगा ये। तो क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा जो है वो कापर है। कापर को अगर देखोगे, कापर भी थोड़ा सा येलो कलर का, येलोइश दिखाई देता है। अगर आप कॉपर रियल में आप देखे होगे, वो भी येलो कलर का। तो इस तरह से दोनों, ये तो क्लियर हो गया कि सल्फर जो है वो येलो कलर का है, तो उसकी वजह से अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी किसी लीफ में, यानी किसी लीफ मतलब न्यू लीफ में अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, तो क्या है कि उसका जो मतलब उसकी जो वेन है वो येलो कलर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सल्फर तो येलो है ही है। अब देखिए एक और हमें याद आ रहा है कि एक डिजीज होती है टी येलो डिजीज। पूछा जाता है टी येलो डिजीज किस एलिमेंट की डिफिशियंसी से होता है। तो जैसे ही उसमें येलो दिखा, आपको तुरंत याद आया कि येलो है, यानी सल्फर भी तो येलो होता है। बस तुरंत आप टिक कर दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। इस तरह से देखिए, हम आपको आपको बता दिए कि सल्फर जो है येलो कलर का होता है भैया, और जो कॉपर है वो भी थोड़ा येलो कलर का, येलोइश होता है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी डिफिशियंसी अगर न्यू लीप में हो जाए, तो उसकी जो वेन होती है वो येलो कलर की हो जाती है, तो आपको सल्फर और कॉपर याद रहेगा, क्योंकि हमने ट्रिक बता दिया है। अब आपको मान लीजिए ग्रीन वाला नहीं याद है, ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक आपको नहीं याद आ रहा, तब भी तो आपको दो याद है, तो ये तो दो आराम से आप अलग कर ही लोगे, तो इस कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबको रटा भी रहता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी डिफिशियंसी ओल्डर लीफ और न्यू लीफ दोनों में पाई जाती है। तो जिंक है। ठीक है, ये कहते हैं भैया हम दोनों में रहेंगे। तो चलिए अब देखिए लास्ट जो है वो टर्मिनल बड। कौन सी ऐसी एलिमेंट है जिनकी डिफिशियंसी टर्मिनल बड पे होती है। ये मान लीजिए कोई एक पौधा है, प्लांट है, ये इसका टर्मिनल बड है। ठीक है, यहाँ पे किसकी कमी होती है। तो देखिए यहाँ पे कमी होती है कैल्शियम की और बोरान की। अब इसको कैसे याद करोगे ट्रिक के माध्यम से, तो इसको याद करने के लिए हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए आप क्या बुक किए, कैब आप बुक किए। कैब आपको कहाँ छोड़ती है भैया, आपका जहाँ टर्मिनल होता है, यानी सच में आप जहाँ जाना चाहते हो। एक होता है कि हाँ हम कैब बुक कर रहे हैं, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यानी वो आपका टर्मिनल होगा,
वहीं पे आपको पहुंचाएगी। तो कैब में ही छुपा हुआ है कैल्शियम और बोरान, और वो आपको कैब टर्मिनल पे छोड़ेगा, यानी आपके लास्ट पॉइंट पे छोड़ेगा। तो उस तरह से इस पता चल गया कि कैब है वो टर्मिनल पे छोड़ा, कैब में छुपा हुआ है कैल्शियम और बोरान, इस तरह से उसकी डिफिशियंसी टर्मिनल लीफ में होगी ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे याद हो गए, और एक ट्रिक के माध्यम से आपको ज़िंदगी में अब नहीं भूलेगा, इसको कभी भी भूलना चाहेंगे तो नहीं भूलेगा। एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला जो है, हम अभी हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके आए हर वीडियो के अंत में। तो आज जो लेके आए हैं ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फास्फोरस को क्या बोलते हैं, की ऑफ लाइफ। ठीक है, की ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सिंगल एलिमेंट की अगर डिफिशियंसी हो गई तो जो प्लांट है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसी वजह से इसे कहा जाता है की ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखिए की ऑफ लाइफ किसको कहेंगे, आप कैसे याद करोगे कि फास्फोरस को ही बोलते हैं। तो देखिए, की अगर आप देखे होगे, ठीक है, की अगर आप देखे होगे तो एकदम फास्फोरस की तरह ही दिखती है। की का मतलब है किसी ताले की चाबी। ठीक है, चाबी जो होती है ताले की होती है जो, वो क्या होती है, एकदम मतलब ऐसे लग रहा है जैसे फास्फोरस की तरह दिखती है वो चाबी। ठीक है, बस याद हो गया आपको, इसी तरह से कभी नहीं भूलेगा। अब देखिए, ये रेड और पर्पल कलरेशन बहुत ज़्यादा आता है, कई एग्जाम में आया है। तो बस आपको आज के बाद कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आज के बाद आप सिर्फ पर्पल के पी पे फोकस करोगे। जैसे ही रेड और पर्पल का पी दिख जाएगा तुरंत समझ जाएगा कि इसमें फास्फोरस की ही डिफिशियंसी है। ठीक है, इस तरह से ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और भी वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए, बने रहिए चैनल पे, और इसको शेयर भी करते रहिएगा। और हाँ, यूपी में स्पेशली, ठीक है, यूपी में जो है टीचिंग की वैकेंसी आने वाली, जिसमें एग्रीकल्चर स्पेशल पोस्टें आती हैं टीचिंग में, उससे रिलेटेड कैसे उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बारे में मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, और बताऊँगा भी, और उसकी तैयारी भी कराऊँगा, और बहुत मस्त तैयारी होगी। तो बस बने रहिए, आपको पता चलता रहेगा चैनल पे। ठीक है, थैंक यू।